भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन के न्यूलैंड्स में चल रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरी पारी में भारत के ओपनर बल्लेबाज मुरली विजय मात्र 7 ओवर के अंदर 2 बार अंपायर के गलत निर्णय का शिकार हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों ही बार विजय ने DRS लिया और वो बच गए। विजय के खिलाफ पहली बार फिलेंडर की गेंद पर LBW की अपील हुई और अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। इसके बाद विजय ने DRS लिया तो वो नॉट आउट पाए गए। हालांकि कुछ ही देर बाद फिलेंडर की ही गेंद पर विजय के खिलाफ कैच आउट की एक और अपील हुई और इस बार भी अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया, लेकिन विजय ने फिर DRS लिया और वो बच गए। कमाल की बात यह रही कि यह सब मात्र 7 ओवर के अंदर अंदर हुआ। हालांकि विजय को इसका कोई खास फायदा हुआ नहीं और 9वें ओवर में विजय ने फिलेंडर की ही गेंद पर अपना कैच डिविलियर्स को पकड़ा दिया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।